अपने पड़ोसी को बोलो तेरा परखा हुआ विश्वास, तेरा विश्वास नहीं परखा हुआ विश्वास। आपकी लाइफ में परमेश्वर आपको हील करता है, डिलीवर करता है, आपको ब्लेस करता है, आपका विश्वास बढ़ता है। हाँ या ना? आपको मालूम होता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूं ये फेक नहीं हो सकता। परमेश्वर काम कर रहा है, आपका फेथ बढ़ता है, परमेश्वर आपको विश्वास देता है। हाँ या ना? परमेश्वर आपको अगले लेवल पे लेके जाने के लिए, आज आपने हीलिंग ली परमेश्वर से, डिलीवरेंस ली, बरकत ली, ब्लेसिंग ली, लेकिन ये परमेश्वर का लास्ट प्लान नहीं है, ये उसका मास्टर प्लान नहीं है, ये उसके मास्टर प्लान की स्टार्टिंग है, ये उसकी शुरुआत है, उसका अंत नहीं है। ये तो परमेश्वर ने अपना आप साबित करने के लिए, आपको दिखाने के लिए आपकी जिंदगी में कुछ काम किया है, आपको छुड़ाया या चंगा किया है, लेकिन उसके आगे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है आपकी लाइफ के अंदर। और बाइबल कहती है परखा हुआ विश्वास, जब आपके विश्वास की परख होती आपको परखा जाता है, आपकी हीलिंग को रोककर, आपकी ब्लेसिंग को रोककर, आपको तरह तरह की मुश्किलों से निकालकर, तरह तरह की विल्डरनेस से यानी जंगल के माहौल से जहां आप अकेले हैं, अलग अलग तरह की सिचुएशन से जब परमेश्वर आपको निकालता है और आप फिर भी परमेश्वर में खड़े रहते हैं, क्योंकि पास्ट में पिछले जीवन में आपने परमेश्वर के भलेपन को देखा हुआ है, आप जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। अब आपकी लाइफ में कुछ परीक्षाएं हैं, लेकिन आप उस परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ खड़े हैं। आपने अपनी चर्च की संगति को कम नहीं किया, आपने अपनी प्रेयर को कम नहीं किया, फास्टिंग को कम नहीं किया, प्यार को कम नहीं किया, बोने को कम नहीं किया, खुदावंद के साथ किसी चीज को कम नहीं किया। इसका मतलब आपका विश्वास परखा जा रहा है और आप बाहर निकलेंगे मजबूती के साथ। परखा हुआ विश्वास। आज इस चर्च में बिगेस्ट टेस्टिमनी किसी की है, कोई कैंसर की, कोई 20 साल बाद बेबी के साथ ब्लेस होके वापिस आया, लेकिन ये परमेश्वर का मास्टर प्लान का हिस्सा है, ये उसकी एक स्टार्टिंग है, ये इसकी उसकी एक शुरुआत है। परमेश्वर चाहता है आज आप अपने विश्वास को जब परखा जाए, तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, टेस्टेड फेथ, जो आपका टेस्ट हुआ हो, फेथ आपके विश्वास का टेस्ट हुआ हो, जब आपको मालूम हो कि आपके पड़ोसी चंगे हो चुके हैं लेकिन आप अभी भी उस लाइन में खड़े हैं, इसका मतलब परमेश्वर का एक हैप्पी प्लान आपकी लाइफ के ऊपर है। याद रखो, वो फायर के साथ कहता टेस्ट होता है विश्वास, जलन आग के साथ विश्वास को परखा जाता है, लिख वो अग्नि रूपी परीक्षाएं, वो हर एक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती, लेकिन अगर आप उस परख में कामयाब होते हैं, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से और परमेश्वर के वचन से एक बात जानता हूं कि मुश्किलें, परीक्षाएं, एफ्लिक्शंस, दुख, अगर आप उन्हें मौका दें तो आपको स्ट्रॉन्ग कर सकती, मजबूत कर सकती, आपके विश्वास को ऐसा कर सकती जो हिले, जो कभी ना हिले, अगर आप उसे मौका देंगे तो। पूरी बाइबल आप निकाल के देख लो, जब कभी भी परमेश्वर ने किसी खास व्यक्ति को बनाया, चाहे वो एक लाडले बच्चे से प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लेके जाना हो, भेड़ बकरियों को चराने वाला एक आम सा लड़का उसे राजा बनाना हो, हमेशा परमेश्वर ने लोगों को उनकी मुसीबतों के वक्त तैयार किया, उनकी ब्लेसिंग के टाइम पे नहीं। एवरी टाइम, हर वक्त, जब भी परमेश्वर ने किसी बड़े काम के लिए आपको, आपके परिवार को तैयार करना हो, वो हमेशा मुसीबतों का और परीक्षाओं का इस्तेमाल करता है आपको स्ट्रॉन्ग करने के। इसलिए बाइबल कहती कि तुम मत घबराना जब ये नाना प्रकार की परीक्षाएं तुम पर आ जाए, ये परीक्षाएं तुम्हें धीरज पैदा करेंगी, तुम्हें सिद्ध और सिथर करेंगी, किसी बात की घटी तुम्हें ना होगी अगर तुम इन परीक्षाओं में परमेश्वर के साथ खड़े रहोगे तो। अगर परीक्षाओं में खड़े नहीं रहोगे, भाग जाओगे, तो इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। हालेलुया। अगर आप ऊपर देखते जाएंगे कि खुदा कुछ करे, तो खुदा नीचे देखेगा आपकी तरफ कि आप कुछ करें। विश्वास में परख के साथ निकलना, स्ट्रांगली बोना, स्ट्रांगली आप मजबूत क्रिश्चियन हैं, आपकी नींव को हिलाया नहीं जा सकता, आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं। आमीन छोटा है। मैंने कहा आपकी लाइफ के पजल सॉल्व होने वाले हैं। तो उठाओ परख में, मैं सीधा रहूं, खड़ा रहूं, गवाही के साथ आने पाऊं।